अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग आया है तो सपोर्ट करिएगा। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से व्लॉग्स वगैरह मेरे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब रेगुलर आएंगे इंशाल्लाह तो आ जाते हैं आपकी नहीं रेसिपी हुई। पे। आप लोग दुआ नहीं करते ना मेरे लिए। अगर आप लोग दुआ करते तो मैं जल्दी ठीक हो जाती। तो बहरहाल अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बारिशें हो रही हैं, गैस बिल्कुल गायब है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कि टाइम क्या हो रहा है और मैं किस टाइम पे खाना बनाने खड़ी हुई हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू चिकन मटर। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है और 3 प्याजे लेके इसको जब तक ये फ्राई होंगे मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रात के 3 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं खाना बनाने खड़ी हुई हूँ, वो इसलिए कि सुबह में गैस बिल्कुल नहीं होती है और इलेक्ट्रिक के चूल्हे पे मैं कब तक खाना पकाऊँ मुझसे नहीं पकता, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो बस गुजारा हो रहा है मेरा ही नहीं पूरे कराची का ही यही हाल है इस दफ़ा। तो सोचे ना जल्दी नीचे अपने रेसिपी पे आते हैं, जब ये प्याज गर्म हो जाएगी तो हम अपने रेसिपी पे आ जाएंगे कि क्या करना है। अभी हम इसको प्याज को ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हो गई प्याज हमारी तकरीबन थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। यहाँ पर मैंने लिए है 1/2 किलो चिकन और वो है ये सीने की चिकन है। एक से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और भूनने के फौरन बाद ही हम इसमें जल्दी जल्दी से अपने मसाले शामिल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चमचा पिसावा धनिया, पिसी हुई मिर्च 1/2 चमचा, 1/2 चमचे से भी कम हल्दी, 1/2 चमचा जीरा और इसको मैं अच्छे तरीके से इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। भूनने के बाद इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, तीन से 4 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे हम नमक हद जाएगा। नमक शामिल करने के बाद इसमें मैं डालूंगी दही। दही डालने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए दही डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पर। अच्छा, यहाँ पे 5 से 6 मिनट तकरीबन हो गए, ये देखें। अब इसके अंदर मैं जल्दी से यहाँ पर ये मैंने आलू और मटर लिए हैं, 1 गिलास पानी धो के 1 गिलास पानी डाल के रख दिया था। अब इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। बस जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। जब तक आलू भी गल जाएंगे हमारे, मटर भी गल जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। चलें जी, 20 से 25 मिनट हो गए और यहाँ पर तकरीबन पानी खुश्क हो गया। और अब मैं चेक कर लूँ जरा कि आलू गले हैं या नहीं, चेक कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल आलू गल चुके हैं, मटर भी खाने बिल्कुल, सालन बिल्कुल हो गया है हमारा रेडी। आलू गल गया और मैं थोड़ा सा
शोरबा जो है इसके अंदर रखूंगी और थोड़ा काम डाल दूंगी हरा धनिया। तो सालन मेरा पक गया है बस। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दिया करें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी और दुआ में याद रखिएगा। बारिश हो रही है तो सर्दी का मौसम है तो ज़्यादातर अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।